हेलो गाइज, आपका एक बार फिर से स्वागत है। अपने पशुपालन के मॉडल पेपर चल रहे थे, आज अपने ये 20वां मॉडल पेपर है जो कि इंपॉर्टेंट है अपने कृषि पर्यवेक्षक भर्ती के लिए, पशु परिचर भर्ती के लिए और अन्य जितने भी एग्जाम जिनमें आपके पशुपालन पूछा जाता है। तो आज का अपना सबसे पहला क्वेश्चन है, बकरी में श्वसन गति प्रति मिनट बताइए। बकरी में आपको श्वसन गति बताना है प्रति मिनट। तो ये क्या होती है, प्रति मिनट श्वास लेने की दर है जो बकरी में, वो आपको बतानी है। अपने पास यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, 20 से 25 प्रति मिनट, 20 से 30 प्रति मिनट और 12 से 22 प्रति मिनट और 15 से 18 प्रति मिनट। तो बताइए, देखिए बकरी में जो श्वसन गति प्रति मिनट कितनी होती है, ये होती है अपने कितनी होती है, 12 से और 22 प्रति मिनट। आपको ध्यान रखना है बकरी में श्वसन गति 12 से 22 प्रति मिनट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, दुधारू भैंस को 100 किलोग्राम शरीर भार पर कुल कितना शुष्क पदार्थ की आवश्यकता होती है। आपको बताना है कि दुधारू भैंस को 100 किलोग्राम शरीर भार पर कुल कितने शुष्क पदार्थ की आवश्यकता होगी। ऑप्शन अपने पास है 2 किलो, 3.5 किलो, 2.5 किलो और 3 किलोग्राम। तो बताइए देखिए इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 3 किलोग्राम। यदि भैंस का 100 किलो वजन है तो फिर उसको अपन 3 किलोग्राम शुष्क पदार्थ देंगे। बात करें गाय की, गाय का 100 किलो शरीर भार है तो उसको अपन 2.5 किलो शुष्क पदार्थ देंगे। तो गाय का भी आपको ध्यान रखना है और भैंस का भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन है, स्ट्रिप कप परीक्षण किस रोग से संबंधित है। आपको बताना है स्ट्रिप कप परीक्षण है वो किस रोग में करते हैं, मिल्क फीवर में, न्यूकेसले डिजीज में, थनेला में और टिक फीवर में। तो किस रोग में करते हैं अपन स्ट्रिप कप परीक्षण, ये करते हैं अपन थनेला रोग में। कौन से रोग में करते हैं, जो थनेला रोग होता है उसमें अपन स्ट्रिप कप परीक्षण करते हैं। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, भैंस के दूध में औसतन वसा प्रतिशत बताना है। भैंस का जो दूध है उसमें आपको औसतन वसा प्रतिशत बताना है, 3%, 5%, 7% और 10%। तो भैंस के दूध में औसतन वसा प्रतिशत कितना होता है, ये होता है 7%। कितना होता है, भैंस के दूध में औसतन वसा प्रतिशत पूछ रहा है, तो ये 7% होगा, यहाँ पे थर्ड नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, मछली जैसी गंध यानी फिशी फ्लेवर घी में कब आती है। आपको ये बताना है कि घी में मछली के जैसी गंध आ रही है तो वो किसके कारण आ रही है और कब आती है, ये आपको बताना है। ऑप्शन अपने पास है, जब घी पुराना हो, घी में पानी रह जाए, घी को अधिक गर्म कर दे, गोभी वर्गीय फसलों का चारा खाने वाले दुग्ध उत्पादन से बने घी में। तो इसका राइट आंसर बताइए, देखिए जो घी में फिश जैसी गंध कब आती है, तो ये कब आती है, जब घी में पानी रह जाता है तो तब ये घी में ऐसी गंध आती है। आपको ध्यान रखना है यहाँ पे सेकंड नंबर का ऑप्शन है, ये राइट हो जाएगा। घी में नमी की मात्रा है 0.5% से कम रहनी चाहिए। कितनी, 0.5% से कम घी में नमी की मात्रा रहनी चाहिए। मछली जैसी गंध घी में जब आती है, जब घी में पानी की मात्रा रह जाती है तो फिर घी में मछली जैसी गंध आती है। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, स्ट्रिप कप परीक्षण किस रोग से संबंधित है। आपको बताना है स्ट्रिप कप परीक्षण है वो किस रोग में करते हैं, मिल्क फीवर में, न्यूकेसले डिजीज में, थनेला में और टिक फीवर में। तो किस रोग में करते हैं अपन स्ट्रिप कप परीक्षण, ये करते हैं अपन थनेला रोग में। कौन से रोग में करते हैं, जो थनेला रोग होता है उसमें अपन स्ट्रिप कप परीक्षण करते हैं। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, भैंस के दूध में औसतन वसा प्रतिशत बताना है। भैंस का जो दूध है उसमें आपको औसतन वसा प्रतिशत बताना है, 3%, 5%, 7% और 10%। तो भैंस के दूध में औसतन वसा प्रतिशत कितना होता है, ये होता है 7%। कितना होता है, भैंस के दूध में औसतन वसा प्रतिशत पूछ रहा है, तो ये 7% होगा, यहाँ पे थर्ड नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, मछली जैसी गंध यानी फिशी फ्लेवर घी में कब आती है। आपको यह बताना है कि घी में मछली के जैसी गंध आ रही है तो वो किसके कारण आ रही है और कब आती है, यह आपको बताना है। ऑप्शन अपने पास है, जब घी पुराना हो, घी में पानी रह जाए, घी को अधिक गर्म कर दे, गोभी वर्गीय फसलों का चारा खाने वाले दुग्ध उत्पादन से बने घी में। तो इसका राइट आंसर बताइए, देखिए जो घी में फिश जैसी गंध कब आती है, तो यह कब आती है, जब घी में पानी रह जाता है तो तब यह घी में ऐसी गंध आती है। आपको ध्यान रखना है यहां पे सेकंड नंबर का ऑप्शन है, यह राइट हो जाएगा। घी में नमी की मात्रा है 0.5% से कम रहनी चाहिए। कितनी, 0.5% से कम घी में नमी की मात्रा रहनी चाहिए। मछली जैसी गंध घी में जब आती है, जब घी में पानी की मात्रा रह जाती है तो फिर घी में मछली जैसी गंध आती है। नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्न में से भैंस की नस्ल नहीं है। इनमें से आपको बताना है कि भैंस की नस्ल कौन सी नहीं है, काठियावाड़ी, सूरती, जाफराबादी और मुर्रा। इनमें से भैंस की नस्ल कौन सी नहीं है, यहाँ पे आपको बताना है। ऑप्शन अपने पास है ही, तो इनमें से बताइए देखिए भैंस की नस्ल कौन सी नहीं है, काठियावाड़ी है ये, यहाँ पे भैंस की नस्ल नहीं है, ये यहाँ पे गाय की नस्ल है। किसकी नस्ल है काठियावाड़ी, गाय की नस्ल है, जिसको अपन गिर नस्ल के नाम से भी जानते हैं। तो आपको ध्यान रखना है काठियावाड़ी गाय की नस्ल है, बाकी सूरती, जाफराबादी और मुर्रा है ये भैंस की नस्लें हैं। अपने पास क्वेश्चन है, भैंस की वह नस्ल जिसकी आंखें सफेद होती है वह आपको बतानी है। ऑप्शन यहाँ पे मुर्रा, नीली रावी, सूरती और मेहसाना। तो भैंस की वह कौन सी नस्ल है जिसकी आंखें सफेद होती है, नीली रावी। कौन सी नस्ल है, नीली रावी है, जिन्हें अपन जिसकी आंखें सफेद होती है, जिन्हें अपन वोलाइस के नाम से भी जानते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे क्वेश्चन है, भैंस की वह नस्ल जो द्विसंकर संकरण से विकसित करी गई है वो आपको बतानी है। ऑप्शन अपने पास है, मुर्रा,
मेहसाना, सूरती और जाफरावादी। तो बताइए देखिए, दिवशंकर संकरण से विकसित भैंस की नस्ल कौन सी है? मेहसाना। कौन सी है? मेहसाना है। और देखिए मेहसाना है, इससे आपको ध्यान रखना है, इसका क्रॉस किस किस से हुआ तभी यह विकसित हुई। तो मेह मतलब मुर्रा, मेह का मतलब हो गया यहाँ पे मुर्रा, ध्यान रखना है। और साना स का मतलब सूरती, तो मुर्रा और सूरती के क्रॉस से यहाँ पे मेहसाना को विकसित करा गया है। तो इनको अच्छे से ध्यान रखिएगा, मुर्रा और सूरती के क्रॉस से मेहसाना को विकसित कराया गया है, जो कि भैंस की दिवशंकरण नस्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट अपने यहाँ पे क्वेश्चन है, सर्वाधिक दूध उत्पादन वाली भैंस की प्रमुख नस्ल आपको बतानी है। ऑप्शन अपने पास है मुर्रा, जाफरावादी, मेहसाना और नीली रावी। तो इनमें से बताइए देखिए, सर्वाधिक दूध उत्पादन वाली भैंस की नस्ल कौन सी है? मुर्रा है। कौन सी है? मुर्रा है, जिसका दूध कितना होता है प्रति व्यांत 1800 से और 2500 लीटर है इसका दूध होता है। तो आपको ध्यान रखना है, सर्वाधिक दूध उत्पादन वाली भैंस की प्रमुख नस्ल मुर्रा है। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, भैंस प्रजाति का उद्भव स्थल आपको बताना है। ऑप्शन अपने पास है भूटान, नेपाल, भारत, चीन। तो भैंस प्रजाति का उद्भव स्थल क्या है? भैंस प्रजाति का उद्भव स्थान भारत। क्या है? भारत है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, दूध में जामन लगाने से पूर्व दूध ठंडा करते हैं, यानी दूध में जामन लगाना है तो फिर उसको कितनी डिग्री सेल्सियस ताप पर ठंडा करते हैं, यह आपको बताना है। ऑप्शन अपने पास है 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस से 22 डिग्री सेल्सियस और 40 डिग्री सेल्सियस से 47 डिग्री सेल्सियस। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दूध में जामन लगाने से पूर्व दूध को 20 से 22 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ठंडा करते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, भैंस में मध्य चक्र की लंबाई कितनी होती है, यह आपको बताना है। क्या बताना है? भैंस में मध्य चक्र की लंबाई कितनी होती है, यह आपको बताना है। ऑप्शन अपने पास है 21 दिन, 18 दिन, 15 दिन और 25 दिन। तो भैंस में मध्य चक्र कितने दिन का होता है, यह आपको ध्यान रखना है, 21 दिन का होता है। फर्स्ट ऑप्शन यहां पे राइट हो जाएगा, भैंस में मध्य चक्र 21 दिन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट यहाँ पे अपने पास क्वेश्चन है, संसार में भैंसों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत भारत में पाया जाता है, यानी संसार में जितनी भैंसें हैं उनकी कितनी परसेंट भैंसें भारत में पाई जाती है? 57%, 30%, 40% और 65%। तो कितनी भैंसें भारत में पाई जाती है? विश्व में जितनी भैंसें हैं उनका 57% भैंसें अकेले भारत में पाई जाती है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अपने पास यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भैंस की नस्ल भारी नस्लों में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन अपने पास है मुर्रा, जाफरावादी, नीली रावी और सूरती। इनमें से आपको बताना है कि भारी नस्लों में कौन सी भैंस की नस्ल है वो सम्मिलित नहीं है। तो कौन सी है? सूरती है, ये भारी नस्लों में सम्मिलित नहीं है। ये हल्की वेट वाली वजन है, लाइट वेट वाली ये नस्ल है। बाकी मुर्रा हो गई, जाफरावादी हो गई, नीली रावी हो गई, ये भारी नस्लें होती है, ये भारी वेट वाली नस्लें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भैंस की ऐसी कौन सी नस्ल है जिसमें गलकंबल होता है, वो आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पे अपने पास दे रखा है, मुर्रा, बदावरी, जाफरावादी और सूरती। तो बताइए देखिए, गलकंबल कौन सी नस्ल में होता है भैंस की में? तो ये होता है अपने कौन सी नस्ल में? जाफरावादी में होता है। और जाफरावादी को अपन मिनी एलिफेंट के नाम से भी जानते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है कि जाफरावादी को मिनी एलिफेंट के नाम से भी जाना जाता है और इसके गलकंबल होता है। नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे क्वेश्चन है, बकरी की वह नस्ल जो लगातार 2 वर्षों तक दूध देती है। बकरी की ऐसी कौन सी नस्ल है जो लगातार 2 वर्षों तक दूध देती है? सानेन, एल्पाइन, टोंगनवर्ग और जमुनापुरी। तो कौन सी नस्ल है? टोंगनवर्ग जो बकरी की नस्ल है ये लगातार 2 वर्षों तक दूध देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थूथन सफेद रंग की व चेहरे के दोनों तरफ सफेद पट्टी का पाया जाना किस नस्ल की मुख्य विशेषता है? क्या बताना है कि इसकी थूथन सफेद रंग की होती है और चेहरे के दोनों तरफ सफेद रंग की पट्टी पाई जाती है। ऑप्शन अपने पास है सानेन, बीटल, टोगनवर्ग और जाफरावादी। तो बताइए देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो टोगनवर्ग बकरी की नस्ल है इसका थूथन सफेद रंग का होता है और चेहरे के दोनों तरफ सफेद पट्टी पाई जाती है। इसका रंग कैसा होता है? तो चॉकलेटी रंग की नस्ल होती है, यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, मिल्क क्वीन के नाम से प्रसिद्ध बकरी की नस्ल आपको बतानी है। मिल्क क्वीन के नाम से बकरी की कौन सी नस्ल प्रसिद्ध है? सानेन, टोगनवर्ग, एल्पाइन और एग्लोन्यूबियन। तो कौन सी नस्ल है? सानेन बकरी की जो नस्ल है उसको अपन मिल्क क्वीन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोगनवर्ग नस्ल की बकरी का मूल स्थान है, ये आपको बताना है कि टोगनवर्ग बकरी की जो नस्ल है इसका मूल स्थान क्या है? इटली, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और जापान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्विट्जरलैंड है, यह टोगनवर्ग जो बकरी की नस्ल है इसका मूल स्थान या ओरिजिन पैलेस है। क्वेश्चन है, बकरी का वैज्ञानिक नाम आपको बताना है कि इनमें से बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है? केप्राइरकस, ओविसेरिस, गैलस डोमेस्टिका और बोस्टोर्सस। तो बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है? बकरी का वैज्ञानिक नाम है केप्राइरकस। क्या है? केप्राइरकस, फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओविसेरिस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ये भेड़ का वैज्ञानिक नाम है। किसका नाम है? भेड़ का वैज्ञानिक नाम है। बाकी गैलस डोमेस्टिका की बात करें तो ये मुर्गी का वैज्ञानिक नाम है। किसका नाम है? मुर्गी का वैज्ञानिक नाम है। बात करें बोस्टोर्सस तो ये किसका नाम है? ये गाय का वैज्ञानिक नाम है। किसका नाम है? गाय का वैज्ञानिक नाम है। तो बकरी का पूछ ले तो केप्राहिरकस हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, बकरी की पश्मीना ऊन उत्पादक नस्ल है, आपको बताना है कि बकरी की पश्मीना जो ऊन उत्पादक नस्ल है वो कौन सी है। अपने पास यहाँ पे ऑप्शन है, वो चेंगू है,
जमुनापुरी है, बर्बरी है और सानियन है। तो कौन सी नस्ल है पश्मीना उत्पादन वाली नस्ल? चेंगू नस्ल है। कौन सी है? चेंगू नस्ल है, जिसको अपन कश्मीरा के नाम से भी जानते हैं, कश्मीरी नस्ल के नाम से भी अपन जानते हैं। तो कश्मीरी या फिर चेंगू जो नस्ल है बकरी की, वो ऊन उत्पादक नस्ल है। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, भारतीय बकरी की नस्लों में किस नस्ल की बकरी का आकार सबसे बड़ा होता है? भारतीय बकरी की नस्लों में ऐसी कौन सी नस्ल की बकरी है जिसका आकार सबसे बड़ा होता है? ऑप्शन अपने पास है बारबरी, गद्दी, जमुनापुरी, बीटल। तो कौन सी नस्ल है? जमुनापुरी बकरी की जो नस्ल है उसका आकार सबसे बड़ा होता है भारतीय नस्लों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहेर के लिए पाली जाने वाली बकरी की नस्ल, आपको बताना है इनमें से कि मोहेर के लिए बकरी की कौन सी नस्ल पाली जाती है? एंग्लो न्यूबियन, चोकला, अंगोरा और जखराना। तो कौन सी नस्ल मोहेर के लिए पाली जाती है? अंगोरा बकरी की जो नस्ल है ये मोहेर के लिए पाली जाती है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, अंगोरा ऊन आपसे पूछ ले तो अंगोरा ऊन है ये खरगोश से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है अंगोरा ऊन? खरगोश से प्राप्त होती है। दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना, मोहेर के लिए पाली जाने वाली बकरी की नस्ल अंगोरा है जबकि अंगोरा ऊन खरगोश से प्राप्त होती है। अपना ये मॉडल पेपर कंप्लीट हुआ, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।